burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस देखिए, आज हमारे पास में है स्कॉर्पियो NZ6 वेरिएंट डीजल मैनुअल का, और ये लगभग एक साल के ऊपर गाड़ी हो चुकी है आए हुए। तो ये गाड़ी हमारे अभय भाई की, ये देखो बिल्कुल पोज दे रहे हैं गाड़ी के साथ में, इन्हीं की गाड़ी है भाई, तो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। तो आज इसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। तो कितनी चल गई गाड़ी? 12,000 किलोमीटर चला रहा दी है एक साल में, चली तो कमी है स्कॉर्पियो के हिसाब से, लेकिन पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है। कितना माइलेज देती, क्या क्या सर्विस कॉस्ट आती, क्या प्रॉब्लम्स लगी, क्या इंप्रूवमेंट महिंद्रा को करना चाहिए था, क्या क्या होना चाहिए था, एक ओनर का रिव्यू आप सभी को मिलने वाला है। तो वीडियो अगर Z6 लेने वाले हैं या स्कॉर्पियो कोई भी वेरियंट लेने वाले हैं, तो आपको एक अच्छा सुझाव मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज अभी ये देखो Z6 है और बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी, एकदम बिग डैडी। तो ये बताओ कितने दिन हुए लिए हुए इसको? ये करीब 10 महीने की हो गई गाड़ी। 10 महीने की हो गई है, नवंबर को आई हुई थी। अच्छा, तो इसमें जो है ये Z6 में कुछ चीज़ें इन्होंने मॉडिफाई भी कराई, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात कि इसकी सर्विस कितनी हो गई अभी तक? एक सर्विस हुई है फ्री वाली, और क्या बोलते हैं सर्विस तो फिलहाल दो हो गई, एक जनरल चेकअप होता है, फर्स्ट सर्विस जो बोलते हैं वो 1,000 किलोमीटर के बाद, उसके बाद दूसरी सर्विस हुई है 10,000 किलोमीटर पे। अच्छा, तो उसमें मतलब क्या क्या हुआ था सर्विस में? सर्विस में भाई जो रेगुलर सर्विस में होती है, इंजन ऑयल चेंज होता है, मोबाइल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सब चेंज होते हैं। तो कितना कॉस्ट आ गया था इसका? ये करीब 4,000 से 5,000 रुपए का कॉस्ट हुआ। फ्री सर्विस थी ना उसमें, 4,000-5,000 रुपए में सर्विस इसकी हो चुकी थी। तो अभी आपने ज़्यादातर इन्होंने ही इस गार्ड को चलाया है और थोड़ा बहुत ड्राइवरों ने भी चलाया है। तो इसका सबसे लॉन्ग टूर कौन सा था इस कार का? दिल्ली गई हुई थी। दिल्ली ले गए थे एक्सप्रेस वे पे? खींच के चलाई, धीरे धीरे चलाई? हमने बहुत बढ़िया चलाई उसको, 22.3 का एवरेज निकाला ऑल ओवर ट्रिप पे, हाईवे पे। फिर उसके बाद दिल्ली में जाके एवरेज कम हो गया था, करीब 12-13 का दे रही थी। हाँ, मतलब अगर इसको अच्छे से चलाएंगे तो जो 22 का माइलेज दिया था इस गाड़ी ने, वो मतलब कितनी स्पीड पे दिया था? वो 60-80 के बीच में, 60-80 के बीच में दिया था। 70-75 पर क्रूज लगा हुआ था। अच्छा, अगर उससे तेज चलाएंगे, अरे मुझे लग रहा है अगर इसको 80-90 चलाते तो ये 20 का माइलेज दे देगी आराम से। 20 का माइलेज, क्योंकि इसको मैंने भी ड्राइव किया है, इसको प्यार से चलाओ तो प्यार से माइलेज देगी, अगर खींच के चलाओगे तो माइलेज नहीं देगी। अच्छा, मोड कौन सा लगा था? जिप जैप जूम में से कौन सा मोड? जिप मैं जिप मोड लगा हुआ था, तभी माइलेज अच्छा दिया है इसने। बाकी हाईवे पे तो क्रूज लगा दो, परफॉर्मेंस से कोई मतलब ही नहीं है। आराम से फैमिली के साथ चलना है तो फैमिली आराम से ही चलो, वो ज़्यादा सही रहता है स्कॉर्पियो के साथ में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है महिंद्रा के साथ जुड़ के? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है महिंद्रा के साथ जुड़ के। गाड़ी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, स्कॉर्पियो क्लासिक भी हमने बहुत चलाई हुई है, लेकिन उससे इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये जितनी लाइट वेट इसकी जितनी स्टेयरिंग है उतनी, एक क्रेटा चलाने की इतनी लाइट स्टेयरिंग इसकी स्कॉर्पियो की। पहले क्रेटा ओन करते थे, लगभग 1,12,000 किलोमीटर उसको चलाया था। तो अच्छा ये बताओ, क्रेटा चलाने के बाद में ये ज़्यादा हैवी फील होती क्या? नहीं, ये हैवी नहीं फील होती, खाली बड़ी फील होती है चलाने में, इसको थोड़ा देखना ज़्यादा पड़ता है, बाकी स्टेयरिंग और क्लच वगैरह सब लाइट है। हाँ, ये बॉडी रोल थोड़ा सा क्रेटा से ज़्यादा है, लेकिन क्लासिक से कम है। अच्छा, क्लासिक से कम है। अच्छा, ये बताओ कि मतलब सर्विस कराने जब गए थे, तो अभी तक तो हुंडई में सर्विस कराई थी, महिंद्रा में सर्विस कराई, तो उनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? सर्विस एक्सपीरियंस एक तरीके से अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने जो है इसको नारायण ऑटोमोबाइल में कराई थी, जो कि लखनऊ में है, और मेरे हिसाब से उनको महिंद्रा वालों को जो है थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उनके 3 वे थे, एक वे में सिर्फ स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार की सर्विस होती थी। दूसरे मतलब जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पे सर्विस कराने, तो जैसे बालाजी हुंडई हम लोग हरदोई वर्कशॉप है, तो उस हिसाब से वहाँ पे जो है एक वर्कशॉप नहीं, वहाँ पे 4 वर्कशॉप थे, उतने ही बड़े बड़े। अच्छा। एक हाँ, उससे शायद बड़े ही, उससे बड़ा एक वर्कशॉप था, उससे बड़े मतलब उनके, तो उसमें जैसे उनके अब लोग हम लोग कहीं किसी भी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे 1 गेट होते हैं, वहाँ पे 6 गेट हैं, 6 अलग अलग डिवीजन हैं, सबके एक डिवीजन में स्कॉर्पियो और थार की सर्विस होती है, एक डिवीजन में XUV और क्या बोलते हैं ये जो XUV 700, 300, 500 इनकी सर्विस होती है, एक में इलेक्ट्रिक की सर्विस होती है,
अच्छा। और एक में थ्री व्हीलर इनके आते हैं जो ऑटो हाँ, वाले होते हैं, ट्रियो वगैरह। हाँ, ट्रियो वगैरह इनकी सर्विस होती है। और एक में पिकअप और एक कमर्शियल व्हीकल के लिए अलग। अच्छा अच्छा, तो मतलब सबके टेक्नीशियन भी अलग अलग है। सबके टेक्नीशियन अलग है, पूरा डिपार्टमेंट अलग है, सबकी बिलिंग भी अलग अलग होती है। पूरा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सब अलग अलग सर्विस सेंटर है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कितना टाइम लगा दिया था वहाँ पहुँच के? ये सुबह हम लोग 8 बजे गए थे, गाड़ी में शाम को मिली हुई थी, करीब 8 बज गए थे सर्विस कराने में। मतलब फर्स्ट क्या वो सेकंड सर्विस नॉर्मल ही होती, कोई ऐसा मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ, मेजर काम नहीं हुआ, उसके बाद कितना टाइम लगा दिया? 3 घंटे तो गाड़ी को जो है वॉशिंग लाइन में लग गए थे जाने में। ओ, मतलब टाइम पीरियड उनको सही करना है। वहाँ पे गाड़ियों का रश बहुत है नारायण ऑटोमोबाइल में, मतलब वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ। मेरे हिसाब से करीब एक दिन में उसने 100 या 150 स्कॉर्पियो और थार मिला के सर्विस करता है वो। हाँ, बड़ा सर्विस सेंटर है, लेकिन टाइमली उनको मतलब सर्विस सेंटर नहीं बड़ा है, गाड़ियाँ ज्यादा है वहाँ सर्विस सेंटर पे। इतनी मतलब मेरे हिसाब से वहाँ पे गाड़ियाँ गेट से चालू होती हैं, बम्पर टू बम्पर जाम रहता है बे तक। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि मतलब स्कॉर्पियो से कोई प्रॉब्लम अभी तक लगी आपको कि इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए था कंपनी? हाँ, फिट एंड फिनिश का तो बहुत ज्यादा इशू है महिंद्रा को, इसमें ध्यान चाहिए। टेक महिंद्रा का टेक नहीं अच्छा है। अच्छा। हाँ, मैंने गाड़ी कई सारी देखी है जो टेक्नोलॉजी के मामले में टाटा है, MG एक्टर है। अच्छा, MG को लोग चाइनीज कंपनी कहते हैं लेकिन उसका टेक बहुत अच्छा है। टेक अच्छा है महिंद्रा के टेक से। महिंद्रा में बहुत सारे लैक्स है और बाकी टाटा में इतने ज्यादा लैक्स नहीं है। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज इसमें अभी गाड़ी लेने के बाद में रिकॉल हुई थी ये। जी, कितनी रिकॉल? 2 बार रिकॉल की गई। एक बार रिकॉल करी गई, स्टेयरिंग से लेकर कुछ रिकॉल था, उसमें उन्होंने कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज किए। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस में स्टेयरिंग का इशू दिखाया जा रहा है कि गाड़ी जो है स्टेयरिंग फेल हो जाती है, गाड़ियाँ लड़ जाती है, तो उन्होंने कुछ उसमें कौन सही किया। लेकिन मेरे तो चलाने में जितना मैंने चलाया उसको, इतना चलाने में मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ कि स्टेयरिंग जो है प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन उन्होंने रिकॉल के लिए बुलाया था, पार्ट्स वगैरह उसके बेयरिंग वगैरह अंदर इलेक्ट्रॉनिक कुछ आइटम 2-3 पट्टा दुपट्टा और अपडेट स्टेयरिंग का भी इसका अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर से स्टेयरिंग अपडेट करी जाती है। अच्छा, एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए भी बुलाया था क्या? वही उसी टाइम जो है सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया था, कि स्टेयरिंग का सॉफ्टवेयर अलग होता है, स्टेयरिंग अलग अपडेट हुई थी इसकी। अच्छा, बाकी मतलब दिक्कत पहले भी नहीं लग रही थी, बाद में भी कोई दिक्कत ऐसी खास नहीं फील हुई कि उसमें मतलब लेके जानी पड़ी है सर्विस सेंटर? अभी तक कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी को आपको आपकी मजबूरी से सर्विस सेंटर ले जाना पड़े, कोई दिक्कत आ गई हो, खड़ी हो गई, आवाज आने लगी हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने दूसरी सर्विस भी गए थे, मेरी कुछ किलोमीटर कम चली हुई थी, 10,000 पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन हम गए थे, उन्होंने रिकॉल आई थी तो मैंने सर्विस भी वहीं करा ली थी उसी टाइम। अच्छा, बाकी फिट एंड फिनिश में कहाँ से प्रॉब्लम लग रही है कुछ? फिट एंड फिनिश में ये देखिए, जो बॉडी लाइन वगैरह है, पैनल गैप है। पैनल गैप बहुत ही लग रहा है यार, पैनल गैप है। मतलब ये जो है टाटा ने बहुत अच्छा सुधार दिया है। और ये पैनल गैप्स है, ये देखिए, ये आपने दरवाजा बंद किया, ये पैनल गैप्स है थोड़ा सा ऑड इन, ये सब जो है फिट एंड फिनिश का इशू है। देखो, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा गैप हो इसमें, मतलब भर का गैप है। अच्छा, ये बताओ बॉडी कैसी है इसकी, मजबूत है? बॉडी तो मजबूत है, सॉलिड है ना। सस्पेंशन जबरदस्त एकदम। और इसके गेट्स वगैरह मतलब आवाज करते हैं या कुछ? नहीं, आवाज इतना ज्यादा नहीं करते हैं बस। बाकी सब बस एक चीज की कमी है, इसके बोनट में हाइड्रोलिक होना चाहिए था। हाँ, बोनट में 100% हाइड्रोलिक होना चाहिए था, क्योंकि इतना भारी बोनट है। एक बार मैं आप सभी को खोल के दिखाऊंगा कितना इसका भारी बोनट है, उसके बावजूद इन्होंने हाइड्रोलिक नहीं दी, इसमें कॉस्ट कटिंग करी है। अगर कोई हल्का आदमी हो तो वो उसको उठाने में बहुत ही दिक्कत होगी, हालांकि धीरू भाई को कोई दिक्कत नहीं है उठाने में, ये देखो आराम से उठेगा ये। और बहुत बड़ा बोनट है यार, इतना बड़ा बोनट है इसका, ये देखो उठाने में दिक्कत, हालांकि इनको भी हो जाती है हल्की फुल्की। अगर इसमें कोई हाइड्रोलिक्स देते तो बहुत ही अच्छा होता। यहाँ पे बोनट खुलने के बाद में इंजन में देखिए स्पेस वगैरह काफ़ी है इस जगह पे, और सब फिट एंड फिनिश भी इनकी अच्छी है। और ये देखिए अभी सब कुछ यहाँ पे सही से लगा हुआ है, ये कुछ रिले वगैरह दिख रही हैं, जो फॉग लाइट्स लगी हुई हैं, हालांकि कपलर टू कपलर फिटिंग हुई है इनकी, जो फॉग लाइट्स इन्होंने अलग से लगवाई है। बाकी अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हालांकि इस पर कोटिंग भी इन्होंने करा दी है। और ये देखिए इस तरीके का पूरा इंजन देखने को इसमें मिलता है। अगर कोई बम्पर इसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई वो लगे होते हैं हाइड्रोलिक जो क्लासिक में आते हैं, हाँ, तो वो ज़्यादा सही रहता। यहाँ पे रबड़ दी हुई है ताकि नॉइज़ जो है वो केबिन में ज़्यादा ना आए, इंजन की नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए पूरा ये रबड़ यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग भी दी हुई है। ज़्यादातर डीजल इंजन्स में देते हैं, इंजन इसका बहुत ही हैवी है, जब स्टार्ट होती है तो हल्का सा ऐसे ऐसे गाड़ी हो जाती है। एक बार स्टार्ट करके अभी हम दिखाएंगे आप सभी को कि कैसे गाड़ी हल्का सा स्टार्ट करने हिलती है, और अगर हल्का सा एक्सीलेटर भी लेते हैं ना तो भी हल्का सा एकदम ऐसा फील होता है कि कुछ हैवी चीज़ हम चला रहे हैं, टैंक में बैठ गए हैं भैया। तो यहाँ पे अभी इसका
इसका बोनट बंद करते हैं और स्टार्ट करके एक बार दिखाते हैं इसको। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, जैसे ही इसका बोनट हम लोगों ने खोला, वैसे देखिए हैजार्ड लाइट इसकी ऑटोमेटिक जलने लगी हैं, और जैसे इसको हम बंद करेंगे तो ये शायद अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो बंद कर दो एक बार, दिखाते हैं इनको। ये देखें बंद करी है, अभी तो नहीं बंद हुई है, ये अंदर से चल रही थी क्या? ये नहीं, ये इसको जब ये हमने हैजार्ड लाइट बंद कर दी है, बंद हो गई उसके बाद ये शायद 2 या 3 सेकंड लेती है समय, उसके बाद बंद होगी, फिर एक बार ब्लिंक करेगी, फिर उसके बाद बंद होगी। और इसकी सबसे बढ़िया खासियत हमें ये लगती है, अगर आपने इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाई इसमें, आपने इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाई, एकदम से आपने ब्रेक लगाई है, तुरंत इसकी हैजार्ड लाइट ऑन हो जाती है, और साथ में पीछे वाली लाइट भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। वो तो ज्यादातर गाड़ियों में आ रहे हैं कि अगर 60 से ऊपर आपने लगाई है तो वो स्टार्ट होते। अच्छा ये बताओ, इसमें जैसे हैलोजन बल्ब मिल रहे थे, क्वालिटी कैसी थी हैलोजन बल्ब की? बहुत, उसका थ्रो तो इतना बेकार था, इतना तो शायद 800 में भी नहीं आता है, मतलब उससे बढ़िया भी 800 में आता है। इतनी हैवी गाड़ी होने के बावजूद उसमें बल्ब जो था उसका, जैसे नॉर्म्स है कंपनी के 55-60, लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट करते यार उसमें, मतलब जो बल्ब लगे हुए थे मजा नहीं आ रही थी बिल्कुल उसमें। इतनी हैवी गाड़ी कोई 10-20-50 स्पीड में चलाएगा नहीं, 70-80-100 तो चलेगा ही इजिली। तो लाइट अगर थ्रो अच्छा नहीं है तो रात को चलाने में बहुत ही दिक्कत आती, फॉग लाइट इसमें नहीं आती है। नॉर्म्स जो 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 गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स में ये चीज़ भी एक होनी चाहिए, अगर किसी भी गाड़ी में फॉग लैम्प नहीं कंपनी दे रही, उस मॉडल में प्रोवाइड नहीं कर रही है, फॉग लैम्प नहीं प्रोवाइड कर रही है, बढ़िया टॉप मॉडल वाली उसकी क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो कम से कम बल्ब इतने अच्छे होने चाहिए कि उसको ड्राइव करने में कोई दिक्कत ना हो, कि उसको अलग से कुछ लगवाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन इसका बल्ब तो महिंद्रा का इसमें टॉप मॉडल का भी जो हेडलाइट आता है उसका भी अच्छा नहीं है, ज़्यादातर लोग टॉप मॉडल में भी एलईडी लगवाते हैं। हाँ, 90% लोग जो है उसकी टॉप मॉडल में भी एलईडी लगवाते हैं, चेंज करा रहे हैं क्योंकि हाई स्पीड में दिक्कत करती है। अच्छा इसमें ये अलॉय व्हील्स तो आते नहीं है? हाँ, इसमें मैंने 17 इंची का अलॉय व्हील डलाया है, जो कि महिंद्रा से जेन्युइन पड़ा हुआ है। महिंद्रा से जब हमने गाड़ी खरीदी थी तब उनकी एक कंडीशन थी कि इसमें एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी, तो वेटिंग कम हो जाएगी, तो वेटिंग कम हो जाएगी नहीं, और उसमें दूसरी बात थी कि हमको, मेरे को अलॉय व्हील तो डलाना ही था, तो बहुत सारी एक्सेसरीज थी जो आपको मतलब लेन चिपकाई जा रही थी, तो वो हमने कवर वगैरह मुझे डलवाना नहीं था, मैटिंग मुझे डलवानी नहीं थी, मुझे इंटीरियर पहले से करवाना था, इसलिए जो है मैंने सोचा कि इससे ऐसी चीज़ें लगवाई जाए जो मेरे काम में आए और गाड़ी देखने में भी इनहांस करे। तो मैंने कंपनी से ही मतलब गाड़ी मेरे पास आई है, अलॉय व्हील लगी लकी लगाई लगाई थी, ठीक है। और जो इसकी रिम्स थी उसका कुछ लेस किया था? उसका कुछ नहीं पड़ा है, बोलते हैं पड़ा हुआ है, ले जाओ आके, जब जाएंगे तो ले लेंगे जाके। टायर वही थे चेंज नहीं कराए थे, ये एक पीछे गार्ड मैंने लगवाया हुआ था, ये महिंद्रा, ये बहुत सॉलिड गार्ड है। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉलिड गार्ड है, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। हैवी है मतलब इसके जो हिंजेस है, मतलब ये सपोर्ट्स जो है चार जगह से, एक और दो, तीन, इसका चार इसका कर्व बहुत अच्छा है, जो गाड़ी का स्कॉर्पियो का कर्व है बिल्कुल सेम टू सेम कर्व है। अच्छा ये जो पीछे क्रोम लगी है साथ ही लगी है? ये तो मॉडल में Z6 में आती है। अच्छा, बाकी क्रोम वर्क मतलब कराना मेरे हिसाब से तो नहीं, मजा नहीं आते जो इसमें थोड़ा हमको ये लगता है, जो इसका टॉप मॉडल है उसमें क्रोम वर्क ज्यादा दिया हुआ है। उसमें क्रोम वर्क ज्यादा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए, अभी मेरी गाड़ी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बंदर का इशू हो गया है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है हल्का सा ये हट गया है, तो ये हमको चेंज करवाना है, अभी मैं चेंज करवाऊंगा इसका। तो महिंद्रा ने क्या किया है, क्रोम वर्क के ऊपर ब्लैक चलाया है, मतलब ये देखो, मतलब ये नीचे क्रोम है अपना, ये हटाओ क्रोम चालू, ये सही है सिस्टम, मतलब ये हटा दो, ये देखो क्रोम दिख रहा है साफ साफ इसमें, कि क्रोम इसमें लगा हुआ है। इन्होंने इंटीरियर भी पूरा गाड़ी का कराया, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, इसका पूरा वीडियो बनाया, कितना पैसा इनका लगा था, क्या क्या किया था इन्होंने, ये सब कुछ उस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताओ, इसमें मतलब बैक वाली जो थर्ड रो है उसमें बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी कैसी है? कम्फर्टेबल है, आप अगर 100-200-300 किलोमीटर जर्नी करना चाहते हैं तो बहुत प्यार से कर सकते हैं। जिनकी हाइट कम है, 5'4" 5'5" के लोग तो बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये, और जो फ्रंट वाली इसकी मतलब मिडिल वाली सीट है उस पर? मिडिल वाली सीट भी कंफर्टेबल है ना ये? ये सही है, फिर पूरा इनका आगे वाला तो है ही है। तो एक बार अंदर से चलते हैं और अंदर से अब दिखाते हैं आप सभी को। तो गाड़ी एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं, जैसे बता रहे थे कि स्टार्ट करेंगे तो ये हिलती है थोड़ी सी गाड़ी, एक बार दिखाते हैं। ये देखो हल्की सी बिल्कुल हिली, एक्सीलेटर करो हल्का सा, ये देखो पूरी गाड़ी हल्का सा बिल्कुल फील होता है कि कुछ हैवी इंजन स्टार्ट हुआ है इस गाड़ी का। अच्छा यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम दिया, कितने इंच का है ये? ये 9 इंच का बोला जाता है। 9 इंच का। अच्छा ये बताओ, इसमें अभी तक कोई दिक्कत लगी नहीं?
कभी हैंग हुआ, कभी कुछ हुआ ऐसा? सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो इसका जो है ये कभी कभी अपने आप वायरलेस वाला बंद हो जाता है, या नेटवर्क की वजह से होता हो या किसी भी वजह से होता है। मैंने दो तीन बार महिंद्रा में बोला भी हुआ, लेकिन उनके सामने कभी बंद नहीं होता है, तो उसकी समस्या दिख नहीं पाती, सॉल्व नहीं हो पाती। चलते चलते कभी कभी बंद हो जाता है, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद या 6 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक कट होता है। अच्छा, ये जो पियानो फिनिश है, ये मतलब इसमें स्क्रैच वगैरह तो नहीं ज्यादा लग रहा है? नहीं, स्क्रैच वगैरह नहीं लग रहा है, बढ़िया है ना। और इसमें मतलब इसके फिनिश वगैरह? हाँ, इंटीरियर में फिनिश में इतने ज्यादा कॉन्स नहीं है जितने ज्यादा एक्सटीरियर में। अच्छा, ये सनरूफ है, बोलते थे सनरूफ से पानी आ जाता है इसमें? नहीं, इसमें तो अभी तक कोई पानी नहीं आया हुआ है सनरूफ से। इसका ये खराब हो गया है, ये किसी ने जल्दी से खींच दिया है इसको, अभी जब जाएंगे सर्विस सेंटर में सही करवा लेंगे जाके। ये खराब हो गया है इसका, ये ऑटोमेटिक पहले खुलता था, अभी नहीं खुलता, बंद नहीं होता, खुलता नहीं, क्या होता है? खुल जाता है ऑटोमेटिक ही, नहीं खुलता, नहीं खुलता है। ये देखो, मतलब सनरूफ हमारी खुल रही है, खोलो जरा, ये देखो खुल जाएगा, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। बंद करो पूरा, बंद करेंगे तो बंद वैसे भी नहीं होता था पहले भी, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इसमें प्ले आ गई है, प्ले आ गई है, ये प्ले पहले नहीं आती। अब खोलो जरा, हाँ खुल रहा है, खुल तो रहा है लेकिन बंद नहीं हुआ। अच्छा, स्पीक इसमें मतलब सनरूफ में पानी इस जगह से आता था, वो दिखा देते हैं जरा, खोलो इसको। सनरूफ में पानी के लिए यहाँ पे एक होल होता है, वो दिखाते हैं आप सभी को पहले। तो गाइस, सनरूफ के लिए यहाँ पे मतलब ड्रेन का एक होता है होस। तो अभी क्या करते हैं आप लोग, कभी भी खुली है वो सनरूफ, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कचरा भर गया, वो होल बंद हो गया, तो फिर जब पानी इसमें भरेगा पूरा, ये सिर्फ नॉर्मल से स्लाइडर लगे हुए हैं, इसमें जब पानी भरेगा। और इसमें महिंद्रा ने ये यहाँ पे रबड़ की पैडिंग लगी हुई थी जो बहुत जल्दी कट जाती थी, इसको हल्का सा उन्होंने हार्ड प्लास्टिक किया हुआ है, रबड़ टच हल्का सा है इसमें और प्लास्टिक भी हार्ड है। चेंज किया है ये, मतलब जो चेंज नहीं किया है ये, इसमें बाद में आने लगा, जब वो वीडियो डाली गई उसके बाद से ये इसमें सुधार आया है। पहले मैंने देखा हुआ है एक दो गाड़ियों में रबड़ का, हल्का सा रबड़ टच है इसमें, ये हल्का सा हार्ड प्लास्टिक है, इतनी जल्दी कटता नहीं है। अच्छा, जो टॉप मॉडल था उसमें यहाँ पे स्पीकर्स भी लगे होते हैं, और जगह ये आपके इसकी वजह से पानी जा रहा है गाड़ी के अंदर तो भी गाड़ी के अंदर पानी नहीं आएगा, ये यहाँ पे उसके क्या नाम है होल हुए हैं पानी बाहर नीचे निकालने के लिए। अगर वो होल आपके बंद है, बाय द वे आपने सनरूफ बहुत दिन खोल के चलाते हैं आप, आती रहती है उससे ब्लॉक हो जाते हैं, वो छोटे से छेद हैं ये यहाँ पे कोने में, बहुत छोटे छेद हैं, तो इसलिए वजह से ये बंद हो जाता है। बाकी हमारे साथ तो कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ये रबड़ आराम से नीचे चली जाती है और ये पूरी सनरूफ को चिपक जाती है, बिल्कुल हिट कर देती है, चिपक जाती है। तो ये है यहाँ पे सनरूफ का सिस्टम। अब आ जाते हैं अंदर, फिर से बंद कर दीजिए सनरूफ। अच्छा, जो इंटीरियर है इसका, इंटीरियर कैसा लगा आपको, मतलब पहले जो था? इंटीरियर कुछ खास नहीं था, क्योंकि हमने Z6 मॉडल लिया था, इसमें कुछ नहीं आता है, इसमें पोस्टरी की सीटें आती हैं और आप तो जानते ही सब आजकल गाड़ी लेते हैं लोग को लेदर की सीटें चाहिए सबको, तो मुझे थोड़ा सा अलग कराने का मन था, इसलिए जो है हमने Z6 मॉडल पसंद किया, क्योंकि उसमें हम कुछ करा सकते थे। Z8 मॉडल लेने के बाद हम उसमें कुछ करा नहीं सकते थे, क्योंकि जब इतना पैसा पहले पड़ गया है, पैसा पहले पड़ गया था, जब उसमें कंपनी दे रही है सीटें उसके बाद फीचर्स दे रही है, तो उसके बाद कराने की क्या जरूरत थी। जो Z8 वाले फीचर्स थे वो हमने वैसे ही करा लिए, Z8 में सिर्फ कैमरा अलग से आता है, अपोस्ट्री आती है, ये लेदर अपोस्ट्री सब आती है, सब सीटें लेदर की आती है, तो ये मुझे कराना ही था कुछ टेस्ट डिफरेंट में, तो हमने जो है Z6 वेरिएंट इसीलिए सेलेक्ट किया। Z8 में पीछे बेस बुफर आता है, आगे यहाँ पे एक स्पीकर आता है सोनी का, नहीं Z8 L में आता है, L में आता है। हाँ। तो इसका जो उतने स्पीकर तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ। जो स्पीकर है उनकी क्वालिटी कैसी? बहुत अच्छी क्वालिटी है, अभी तक जो हम म्यूजिक सिस्टम चला रहे थे उससे तो बहुत अच्छी है, उससे बहुत अच्छी है, मन बहुत नहीं उससे काफी गुना अच्छी है। तो क्रेटा का भैया के पास बेस वेरिएंट था, उसमें जो कंपनी के स्पीकर थे उनसे काफी अच्छा स्पीकर वगैरह, इसका वाइपर वगैरह बढ़िया साफ करते हैं। हाँ, वाइपर बढ़िया साफ करते हैं, अभी आपको दिखाया, बंदर थोड़ा सा काट गया, एक वाइपर भी उसने बंदर ने काटा हुआ है, तो ये वाइपर्स के बहुत जबरदस्त हैं, अभी तक मैंने जो मैं गाड़ियां चला रहा हूं उसमें सबसे बड़ा जबरदस्त वाइपर इसी के लगे। सिटी के लिए गाड़ी कैसी है? सिटी के लिए गाड़ी नहीं अच्छी है, बहुत दिक्कत करेगी। हाँ, दिक्कत क्या करेगी, थोड़ी सी हैवी गाड़ी है, देख के चलाना पड़ता है, और सिटी में इतनी हैवी गाड़ी है, क्लच हार्ड थोड़ी बहुत तो लगती है। बाकी तो एरिया में अच्छा, जैसे ऑफ रोड थोड़ा बहुत आ जाए तो सोचना तो पड़ता नहीं होगा? नहीं, ऑफ रोड के लिए सोचना नहीं पड़ता, कहीं भी आप देखो इस समय खड़े ऑफ रोड पे, ऑफ रोड क्या बिल्कुल ही ऑफ रोड है, देखो कहाँ से लेके आए हैं गाड़ी, इधर से यहाँ से चली जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी ऊंची गाड़ी दी हुई है। यहाँ पे जो फीचर्स हैं इनफ है, ये सब काम करते हैं इसमें? हाँ, सारे फीचर काम करते हैं, इसका सबसे बढ़िया टक्सन कंसोल और हिल असिस्टेंट का फीचर बहुत बढ़िया लगता है, गाड़ी आपने ऊपर चढ़ा दी है ठीक है, और उसके बाद अगर आपको गाड़ी आपने ऊपर चढ़ा दी है और आपको जो है
रेस लेना है या कोई भी रोकनी है तो ब्रेक लगाने के बाद अगर आप ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी नीचे तुरंत नहीं आती है, दो या चार या दस सेकंड का समय लेती है, उसके बाद नीचे आती है। तो उससे पहले हैंड ब्रेक पहले लोग लगा लगाए, उससे पहले आप गियर डाल के गाड़ी आगे बढ़ा ले, पीछे कर ले, जो भी आपको करना हो कर ले। पहले हम लोग को क्लच लगा के हैंड ब्रेक लगा के ये सब करना पड़ता था, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, गाड़ी आराम से रुक जाती है। ब्रेक जैसे हमने दबाई गाड़ी आराम से रुक गई, हिल पे खड़ी है तब भी गाड़ी रुक जाएगी। वो पांच या छह सेकंड का कुछ समय होता है, नोटिस नहीं किया इतना खास, लेकिन उतने उससे जल्दी हम अपना वर्क कर लेते जो हमें करना होता है। यहाँ पे इन्होंने काफी सारी एसेसरी लगवाई थी बाइक, इसमें जैसे कि इंटीरियर पूरा कराया है, बैक कैमरा लगवाया था, फॉग लाइट और लाइट लगवाई थी। तो लाइट कौन सी लगवाई थी इसमें? इसमें अज्यूम की लगी? हाँ अज्यूम की नहीं, शायद कोई ब्रांड रखा हुआ था, मतलब वारंटी है दो साल की, होम वारंटी, होम सर्विसेज में। कितने वाट की थी? 150 का एक बल्ब था, यानी 3 × 600 वाट के पूरा सेटअप है आगे ना। शायद मेरे हिसाब से 150 के पेयर बोले जाते हैं मुझे जैसा लगता है, ये तो कंफर्म मुझे भी नहीं है। तो एक बार बैक कैमरा की क्वालिटी चेक करा दो, ये देखो बैक कैमरा अलग से लगवाया है, क्वालिटी ठीक ठाक है समझ जाएंगे, लेकिन बहुत ही HD क्वालिटी या प्रीमियम क्वालिटी तो नहीं फील होती इसमें। इसमें आप चाहे जितना भी बढ़िया कैमरा लगाने की कोशिश करें वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है। कुछ ही कैमरे जो हैं इसके साथ कनेक्ट नहीं होते। मैंने ब्लॉकपंक का कैमरा लगवाने के लिए उनसे बोला था, ब्लॉकपंक का कैमरा भी आया इसमें लगने के लिए, वो 2-3 घंटे लगे रहे हैं इसमें, उसके मॉड्यूल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया वो। और जो फॉग लाइट अलग से लगी वो तो महिंद्रा जोन पार्ट लगा हुआ है, महिंद्रा की एसेसरीज सब मार्केट में मिल जाती है, आप देखते हैं दिल्ली में सब। अच्छा अच्छा, महिंद्रा के सर्विस सेंटर से। नहीं फॉग लाइट की लाइट बहुत अच्छी है, अच्छी है फॉग लाइट के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब 2-3 चीजें मैं भी इसकी बताऊंगा, जैसे कि इसकी एयर कंडीशन भैया एक नंबर एयर कंडीशन है, मतलब इतना ठंडा कर देती है, गर्मी अभी चाहे जितनी हो आपको पता ही नहीं, बहुत बढ़िया काम करती। बाकी इसमें जो फीचर्स हैं, क्रूज कंट्रोल है, हर चीज इसमें दी हुई है, इतना गाड़ी में है कि आपको कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं इस मॉडल में। तो यही है वीडियो आप सभी के लिए, कि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर हमने सारी चीजें इसमें कवर कर दी होंगी, अगर कुछ रह गया तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर बना देते हो, घर की गाड़ी है भैया कभी भी वीडियो बना लेंगे। तो इसको वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।